हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इस बार अष्टमी माँ नवमी का त्यौहार का पढ़ने वाला थीम शुभ मुहूर्त और महत्व क्या है रामनवमी का। तो वीडियो में बने रहें। तो इस दौरान माँ दुर्गा के नौ रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से हुई थी, आप सभी को पता है। इसका समापन 24 अक्टूबर को दशहरा वाले दिन होगा और वही 24 अक्टूबर महाअष्टमी और 23 अक्टूबर को नवमी का त्यौहार मनाया जाएगा। एंड नवरात्रि 2023 दुर्गा अष्टमी और नवमी कब है तो चलिए बताती हूँ आपको शुभ मुहूर्त क्या है और महत्व क्या है। तो इस साल अगर आप भी शारदीय नवरात्रि नवमी और अष्टमी तिथि को लेकर कन्फ्यूजन में है तो सही तारीख के बारे में आपको बताती हूँ मैं आपको। हमारे सनातन हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। बता दें कि आसनी मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के तिथि के साथ शारदीय नवरात्रि आरंभ हो गए थे। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि शुरू हुई थी जो कि 23 अक्टूबर को नौमी तिथि के साथ समाप्त होंगे। इस साल शारदीय नवरात्रि पूरे 9 दिन के पड़े हैं जिससे माँ दुर्गा के 9 रूपों की विधिवत पूजा हर एक दिन के हिसाब से कर सकते हैं। इसके साथ ही दसवीं तिथि को माँ दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा। तो शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और महानवमी की तिथि शुभ मुहूर्त को लेकर आप लोग के कंफ्यूजन को मैं दूर करती हूँ इस वीडियो में। अष्टमी कब है महाअष्टमी? तो हिंदू पंचांग के अनुसार आसनी माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को महाअष्टमी पड़ रही है और इस दिन माँ दुर्गा को के आठवें रूप का महागौरी की पूजा करने का विधि विधान है। इसके साथ ही इस दिन कन्या पूजन करना भी शुभ माना जाता है। इस साल शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि 22 अक्टूबर को पड़ने वाली है और अष्टमी आरंभ कब से हो रही है तो 21 अक्टूबर 2023 को रात्र 9:15 से स्टार्ट होगी और अष्टमी की समाप्ति कब होगी तो 22 अक्टूबर 2023 रात को 8 बजे तक समाप्ति हो जाएगी अष्टमी की। तो वही दुर्गा पूजा का शुभ मुहूर्त कब है तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:12:46 तक रहेगा और विजय मुहूर्त दोपहर में 2:19 से 3:05 तक रहेगा और अमृतकाल मुहूर्त दोपहर 12:38 से दोपहर 2:10 तक रहेगा और संधि पूजा समय का शाम को 7:34 से 8:22 तक रहेगा और निषिद्ध काल मुहूर्त 11:58 से 12:48 तक रहेगा। वही सर्वार्थ सिद्धि योग्य मुहूर्त सुबह 6:35 से शाम 6:44 तक रहेगा और रवि योग मुहूर्त शाम 6:44 से अगले दिन सुबह 6:35 तक रहेगा। और महानवमी कब है तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ इस वीडियो में। महानवमी के साथ नवरात्रि की समाप्ति हो जाती है। इस दिन माँ दुर्गा के नौवें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने का विधि विधान है और इस साल आसनी माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को 22 अक्टूबर 2023 को शाम 7:49 से शुरू हो रही है और जो कि 23 अक्टूबर को शाम 5:44 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में महानवमी 2023 में 23 अक्टूबर को पड़ रही है। और महानवमी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहला मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त जो दोपहर को 11:43 से 12:28 तक रहेगा और दूसरा मुहूर्त विजय मुहूर्त दोपहर 1:00
58 मिनट से दोपहर 2:43 तक रहेगा, और तीसरा अमृतकाल मुहूर्त जो 7:29 से 8:59 तक रहेगा, और यही चौथा निषिद्ध काल मुहूर्त 11:40 से 12:31 तक रहेगा, और यही सर्वाधिक सिद्धिक मुहूर्त 6:27 से स्टार्ट होगी और 5:14 तक रहेगा, और रवि योग पूरे दिन रहेगा, और नवरात्रि की अष्टमी और नवमी का महत्व क्या है, क्यों हम मनाते हैं महाअष्टमी और नवमी, तो हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है, आप सभी को पता है, और 9 दिनों तक चलने वाली इस रात्रि नवरात्रि को माँ दुर्गा के 9 रूपों की विधि विधान से पूजा करने के साथ व्रत रखने की विधि विधान है। इसके साथ ही अष्टमी और नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन की जाती है, और माना जाता है कि इस दिन कन्या पूजन करने से व्यक्ति को हर कष्ट से निजात मिल जाती है और घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। अष्टमी और नवमी एक ही दिन होता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, माँ अष्टमी और नवमी पूजा के साथ नवरात्रि का त्यौहार समाप्त हो जाता है। नवरात्रि की 8वें दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ गौरी की पूजा की जाती है, और 9वें दिन महानवमी मनाई जाती है और माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, तो यहाँ से हमारी नवरात्रि की समाप्ति होती है, रामनवमी समाप्ति होती है, तो यहाँ से हमारा पूजा पाठ समाप्त हो जाता है।